जहाँ पर वाड्रफ नगर स्थित एक वेयर हाउस में 16,000 बोरी चावल रखा हुआ था जो कि खराब हो गया। जब इस खबर को स्वराज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से दिखाया तो मामले की जांच शुरू हो गई, मगर अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए बड़े स्तर पर धांधली भी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो वेयर हाउस में रखे खराब चावल को गरीबों में वितरित करके ठिकाने लगाया जा रहा है, जिसकी जगह अच्छा चावल रखा जा सके। मगर इस गड़बड़ी में गरीबों के घर इतना घटिया चावल पहुंच रहा है तो उसे खाने से कोई भी बीमार पड़ सकता है। वेयर हाउस से ज्यादा खराब ये चावल ओदारी बूढ़ाडार बड़का गांव के पीडीएस केंद्र में पहुंच गया है, जहां से गरीब परिवारों को बांटा जा रहा है, जबकि लोगों ने खराब चावल लेने से मना कर दिया। देखना होगा कि जांच के बीच हो रही धांधली के लिए क्या अलग से जांच कमेटी बनेगी। चावल जो आया है उसमें कुछ चावल खराब है, उसको हम लोग फूड इंस्पेक्टर के पास भेजेंगे लिखित में, जो खराब होगा जो बोरी उसको वापस करेंगे। खराब है? खराब। तो इस दुकानदार से नहीं बोलेंगे नहीं लेंगे इस चावल को? तो आ जाता है तो ले लेते हैं, अब बताते नहीं कि खराब। हाँ, चावल बहुत खराब है, खाने लायक नहीं है। चावल मिलता है सेल्समैन भी नहीं बताते हैं कि ऐसा चावल नहीं ले जाना, लेकिन आप लोग क्या करें, देते हैं ले जाते हैं। खराब चावल? खराब चावल जी। इसको ले जाके क्या करेंगे आप लोग घर में? सर क्या करेंगे, वही धो के वो छाट निभा के बनाते हैं, खाते हैं जी। किसी गलती है, जो जा रहा है दुकानों में खराब चावल जा रहा है उसमें उसकी लापरवाही है, इसको जाँच करेंगे, जो भी जिसके पाएंगे जाँच में उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग ऐसा कितना बोरा होगा जिसको आप खराब बोलेंगे या उसको वापस करेंगे अंदाजा? खोलने पर पता लगता है, इसे भी पता लगता नहीं लगता है, खोलते हैं तो पता लगता है इसमें क्या है। कितना कुछ कुंटल है उतरा है माल? उतरा है 400 है। सुदीप उपाध्याय, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वाड्रफ नगर से फोन लाइन जुड़ गए हैं। 16,000 बोरी खराब चावल को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब ग्रामीण कह रहे हैं कि ये चावल खराब है हम इसे कैसे खाएंगे, बावजूद उसके जबरदस्ती उन्हें दिया जा रहा है चावल। सुदीप जी, शिवम मैं बताना चाहूंगा आपको, लगभग जनवरी फरवरी माह की बात है, 16,000 बोरी चावलों में जो कीड़े लग गए थे, इस पर हमने प्रमुखता से खबर उठाया था और इस पर जांच जारी थी। प्रदेश स्तरीय टीम जो है अभी 3 दिन पहले भी यहाँ आकर गई है और उन्होंने यह आदेशित किया है कि इस पे जो है लैब टेस्टिंग किया जाएगा चावल को, तब गरीबों को या आम जनता तक खाने के लिए पहुंचाया जाएगा। बहरहाल अभी स्थिति ये हो गई है कि जो चावल वहाँ खराब रखा गया है वो लोगों तक पीडीएस केंद्रों के माध्यम से पहुंच चुका है और उसको कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग अधिकारी जो हैं वो खपाना चाह रहे हैं या फिर उस चावल को पूर्णतः समाप्त करना चाह रहे हैं, उसके जगह में नए चावल। अधिकारी तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन खराब चावलों को खाकर कोई बीमार हो गया तो उसका जवाबदार कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? जी बहुत अच्छा बात आपने कहा, अगर उस चावल को देखा जाए तो बेहद खराब और स्तरहीन चावल है, लोग उसको लेकर जा रहे हैं मजबूरी में और उसको अपने निवाले का पेट में भरने का उपाय कर रहे हैं, मजबूर है लोग, लेकिन शासन प्रशासन या जिम्मेदार अधिकारी अभी तक न किसी ने पहल किया है न ही फोन उठाने की जरूरत की है। तो किन किन बड़े अधिकारियों से शिकायत की गई है सुदीप? जी मैं स्वयं कलेक्टर साहब से इस विषय को लेकर कल गया हुआ था, उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी को आदेशित किया था कि आप तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए जांच करें कि किस तरीके का चावल लोगों तक पहुंच रहा है, फिलहाल इस विषय पर कोई जांच या किसी भी टीम का गठन नहीं किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिहर जी स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी थैंक यू जी। हरिहर जी, 16,000 बोरी चावल खराब हो गया था, इसके बाद उसे ग्रामीणों में खपाया जा रहा है, गरीब लोगों को बांटा जा रहा है सरकारी उचित मूल्य की दुकानों के जरिए, तो अगर ये इस चावल को खाने से कोई बीमार हो जाता है तो इसका जवाबदार कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? जवाबदेह प्रशासन होगी और कौन होगा? जी जी, सरकार तो आपकी है ना सर, आप कार्रवाई कराइए। जी अभी तो हमारे संज्ञान में आया है, जैसे आप लोगों ने बताया, अभी मीडिया के लोगों ने बताया कि इसको अभी तो रोक कर रखा गया था, लेकिन अगर ये सप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जैसे हमको जानकारी मिला, मैं अभी अपने बड़े लोगों से बात करूंगा, अपने बड़े नेताओं से भी, कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा। ठीक है,
ठीक है, जो दोषी है जिनकी नाकामी छुपाने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो अधिकारी जिनकी नाकामी के चलते वो जो 16,000 बोरी चावल वेयर हाउस में खराब हुआ, उन पर किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे? उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जीवन पर सवाल है। अगर क्योंकि जनवरी फरवरी का ये मामला है जी, लेकिन अभी तक ये आपने को जानकारी था कि उसको जब्त करके रखे हैं, ये नहीं मालूम था कि उसको लोग सप्लाई कर रहे हैं जी। ये तो आज खबर लगी कि सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों ने बताया। करते हैं कि आप बड़े अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। बहुत शुक्रिया हरहर जी तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और